की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये एक लड़की है जिसकी ऊंचाई क्या है, 1.2 मीटर। इसको नाम हमने दे दिया ए। और ये जमीन पे खड़ी है और एक गुब्बारे को देख रही है। जो गुब्बारा क्या है, जमीन से ये गुब्बारा है, ये है कितना ऊंचा, 88.2 मीटर। और इस गुब्बारे के साथ उसकी आंख का कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। मतलब यहाँ से जो इसको देख रही है तो उन्नयन कोण जो बना उसकी आंख से वो कितने का बना, 60 डिग्री। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये गुब्बारा जो है क्षैतिज रेखा में चल रहा है। क्षैतिज का मतलब जमीन के समानांतर ऐसे हो रहा है। तो इसका जो है गुब्बारे, तो उसकी आंख से जो अब इसको गुब्बारे को देख रही है तो ये कोण कितने का बन गया, जब ये यहां से चल के जैसे ये गुब्बारा आपका सी पोजीशन में था और 88.2 मीटर की ऊंचाई पे था, सी डिग्री कितनी हो गई, 88.2। तो यहां से उड़ के वो यहाँ पे ई पे आ गया तो अब भी दूरी कितनी रहेगी, क्योंकि बराबर समानांतर उड़ रहा है, अब भी 88.2 मीटर ही रहेगी। ठीक है। तो ये कोण कितने का बन गया, जो पहले 60 का था अब कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ये आपका चित्र बन गया। अब इसको जैसे नाम दे दिए मैंने, ई तक हो गया, ये एफ दे दिया, ये हो गया जी और ये हो गया एच। तो ये एफ डी भी 1.2 ही होगा, क्योंकि तो लड़की की ऊंचाई कितनी ही रहेगी, अपना जी एच क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर। तो ये जो ध्रुवी है ये कितने हो जाएगी, 88.2 में से 1.2 गए तो कितनी हो गई, 87 मीटर। और ये भी सी एफ डी कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ठीक है। तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक ये वाला सी ए एफ और दूसरा बन गया ई ए जी। तो हमारे को क्या निकालना है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी कि सी ई कह लो या एफ डी कह लो या बी एच कह लो, ये निकालना। तो इसके अंदर जो है देखिए सी डी कितना है आपका, 88.2 मीटर। और एफ डी जो है जो कि किसके बराबर है, ए बी के, ये कितना है, 1.2 मीटर। तो ये सी एफ ये कितने के बराबर हो जाएगा, 88.2 माइनस के 1.2 मीटर, यानी कि ये हो गया आपका 87 मीटर। और इतना ही क्या हो जाएगा, ये ई जी हो जाएगा, ई जी भी कितना है, 87 मीटर। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, ए सी एफ, इसमें कोण कितने का था, 60 डिग्री का। तो टेन 60 डिग्री कितना हो गया, इसके सामने ये क्या है, लंब सी एफ और आधार कितना है इसका, ए एफ। तो टेन 60 कितना हो गया, √3। सी एफ कितना है, 87 न्यूटन, 57। और ए एफ हमारे को पता नहीं है, तो इसको इधर ले जाओ, रूट से इधर आ जाएगा। तो ए एफ हो जाएगा 87/√3। रैशनलाइज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो गया 87/√3, और नीचे √3 हो गया। अब देखो 8 और 7 का जोड़ जो है 15 होता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से कटेंगे 3 2 6, बचे कितने, 2 9।
ये हो गया मस्तिष्क वर्गमूल 3 मीटर, यानी कि AF हो गया मस्तिष्क वर्गमूल 3 मीटर। अब दूसरे समकोण त्रिभुज लेंगे, अब कौन सा त्रिभुज लेना है, ये ABD AEG में, तो AEG में कोण कितने का है, 30 डिग्री का, और लंब कितना है ED, जो कि 87 का यानी 87 का है, और आधार क्या है AG, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा EG अपॉन में AG, तो ये हो गया 1/√3। ईजी कितना है 87, एजी कितना है निकालना है, तो तिरछा गुणा करो, एजी क्या हो गया ये इसके साथ हो गया 87√3 मीटर। लेकिन एजी किसके बराबर है, एएफ जमा में एफडी के, तो ये हो गया एएफ प्लस एफजी कितना हो गया 87√3। AF कितना है, हमने ये निकाला था कितना 1/√3, और FD ये तो हमारे को निकालना ही है क्वेश्चन में, इसी को सॉल्व करना, तो FD क्या हो गया यानी दोबारा से बता दें कि दूरी कितनी हो गई 87√3, और ये इधर आ गया 1/√3, तो 87 में से 29 जाएंगे कितने आ जाएंगे आपके 58 ये आपका आंसर हो गया।